जितना शक्तिशाली ये मन उतना शक्तिशाली ये तन। ये हमारा शरीर ये क्या है? एक रथ की भांति, और एक रथ तब तक चल ही नहीं सकता जब उसे चलाने वाला कोई सारथी ना। ये मन शरीर का सारथी। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो इस रथ का क्या होगा? ये उचित मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उचित गति से नहीं चल पाएगा, मन चाहे स्थान पे ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शक्ति आवश्यक है। अब मन की शक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं? निश्चय की शक्ति से। अब निश्चय की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? हम दिन प्रतिदिन कुछ निश्चय करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, किंतु जैसे ही हम निश्चय पूर्ण करते हैं मन की शक्ति बढ़ जाती है। कोई निश्चय हम पूर्ण ना कर पाए, मन की शक्ति घट जाती है। एक दीवार की भांति छोटी 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 शिलाएं हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाते हैं, एक ऐसी दीवार बनती है जिसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे ही मन, ऐसे ही निश्चय। छोटे छोटे कर्म करके अपने निश्चय पूर्ण कीजिए। ये निश्चय पूर्ण हो गए, मन की शक्ति बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार कि बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, ये संकट अपना श्वास तोड़ देगा, किंतु आपका मन वैसे ही शक्तिशाली रहेगा। तो मन की शक्ति बढ़ा कर रखिए, ताकि आप उचित मार्ग से चल सके, उचित गति के साथ, और मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। तभी तो ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।